नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 3 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज मनाया जाएगा धूमधाम से ईद का त्योहार। बिहार डीएलएड की बढ़ी रजिस्ट्रेशन की तारीख। बिहार में अगले 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार। पीके की नई पार्टी पर भाजपा और राजद ने किया पलटवार। 18 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट पर लगा बैन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आप सभी को ईद मुबारक। आज ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। ईद की तारीख का ऐलान हो गया है। देश भर में 3 मई यानी कि आज ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। मौलाना रशीद फरंगी महली इमाम ईदगाह लखनऊ की तरफ से ईद की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। लखनऊ समेत मुल्क के किसी भी हिस्से में शब्बाल का चांद नजर नहीं आया था, जिसके बाद 30वां रोजा हुआ और मंगलवार को ईद उल फित्र मनाया जा रहा है। मुसलमानों का त्यौहार ईद मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार को सभी आपस में मिलकर मनाते हैं और खुदा से सुख शांति और बरकत की लिए दुआएं मांगते हैं। पूरे विश्व में ईद की खुशी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। बिहार डीएलएड के बढ़े रजिस्ट्रेशन की तारीख। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने बिहार डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन फीस जमा करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 मई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 मई 2022 कर दिया गया है, जिससे रजिस्ट्रेशन के साथ आवेदन शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थियों को और वक्त मिल गया। वहीं ऑनलाइन भरे गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आधार पर समिति की तरफ से डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में किसी तरह की त्रुटि का सुधार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 6 मई तक किया जा सकता है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे मनीष झा की। मनीष झा एक भारतीय फिल्म लेखक और निर्देशक है। मातृभूमि जैसे फिल्म के लिए उन्हें जाना जाता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के धमौरा में जन्मे झा दिल्ली में पले बढ़े, जहां वो कम उम्र में चले गए थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से अंग्रेजी में स्नातक की पढ़ाई की, जहां वो अभिनेता बनने के उद्देश्य से इसके थिएटर समूह में शामिल हो गए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद झा मुंबई चले गए और टेलीविजन धारावाहिकों में एक सहायक निर्देशक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जब ब्रेक कभी नहीं आया तो उन्होंने बेघरों पर 30,000 रुपए में 5 मिनट की एक लघु फिल्म बनाई, एक बहुत ही मूक फिल्म जिसने 2002 में कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता था। अक्षय तृतीया को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक। खरीदे आज सोना मिलेगा लाभ। आज अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जा रहा है। पूरे देश में इस त्यौहार को लेकर हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तारीख को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अक्षय तृतीया के अर्थ की बात करें तो अक्षय का मतलब क्षय या नाश नहीं होता है। मान्यता है कि यदि आप काफी समय से किसी शुभ काम के लिए मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं तो अक्षय तृतीया का दिन अच्छा होता है। आज के दिन सोना खरीदने को बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी सोना चांदी घर गाड़ी आदि खरीदने की सोच रहे हैं तो इसका शुभ मुहूर्त सुबह 5:39 से शुरू होकर अगले दिन के सुबह 5:38 तक रहेगा। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस डिप्लोमा अप्रेंटिस ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 3614 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए व्यापार अनुशासन की बात करें तो इसमें लेखा कार्यकारी कार्यालय सहायक सचिवीय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक सिविल ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फिटर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सिस्टम रखरखाव प्रयोगशाला सहायक रासायनिक संयंत्र मशीनिस्ट मोटर वाहन मैकेनिक डीजल मैकेनिक है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास विषय में डिप्लोमा डिग्री या आईटीआई में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ongcindia.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में अगले 2 दिन तक तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदलते जा रहा है। आलम कुछ यूं है कि बिहार के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश के कारण लगभग सभी हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में 3 मई तक ऐसे हालात बने रहने की उम्मीद है। 4 मई से बारिश का सिलसिला पूरी तरह से थम जाएगा। इसके बाद तापमान में वृद्धि का सिलसिला फिर से तेज हो जाएगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 मई दिन सोमवार को राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्से में बिजली गरजने और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना, इन इलाकों में मेघ गर्जन और बारिश की जताई है।
दागी अफसरों की कुंडली आई सामने। बिहार में लंबे समय से सरकारी अधिकारी और कर्मियों की प्रोन्नति बाधित है, इसके लिए ही निगरानी स्वच्छता की जरूरत होती है। बिहार की बात करें तो बिहार में 2006 से लेकर दिसंबर 2021 तक 4000 से अधिक सरकारी सेवक ऐसे हैं जिन पर निगरानी ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए हैं। निगरानी विभाग ने अब वैसे तमाम अधिकारी कर्मियों की सूची जारी की है। सभी विभागों से कहा गया है कि सूची के आधार पर प्रोन्नति पर निर्णय लिया जाए। अब अलग से निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत नहीं होगी। निगरानी विभाग की तरफ से बताया गया है कि 2006 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक 4517 लोक सेवकों के खिलाफ निगरानी में केस दर्ज है। निगरानी ब्यूरो द्वारा दर्ज केस और केस की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार निगरानी विभाग ने सूबे के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के अलावा सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है। सीएम नीतीश ने परिवहन परिसर साइंस सिटी का किया निरीक्षण। बिहार के लोगों को जल्द ही नवनिर्मित परिवहन परिसर और साइंस सिटी के सौगात मिलने वाली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन फुलवारी शरीफ पहुंचकर उन्होंने निर्माणाधीन परिवहन परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम नीतीश ने राजेंद्र नगर में निर्माणाधीन एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने पटना संग्रहालय परिसर के पूर्वी भाग में पुरातात्विक उत्खनन का भी शुभारंभ किया। निरीक्षण के दौरान सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय कार्य को पूरा करने के लिए निर्देश दिया। पीएम आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी आई सामने। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना से आवासहीन लोगों को घर देने का काम हो रहा है, लेकिन इसी बीच वैशाली के महुआ में नया मामला सामने आया है। यहीं पर पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद जदयू और भाजपा ने कहा कि पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे बचेंगे नहीं। जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने इस बाबत कहा कि जिला प्रशासन अपने स्तर से पूरे मामले की जांच करेगा, जांच में जो भी अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि जिसने भी इस कुकृत्य को किया है वो बचेंगे नहीं। भारत में फिर बढ़ी बेरोजगारी दर। देश भर में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है, अभी इससे निजात मिलना मुमकिन भी नजर नहीं आ रहा है। पिछले महीने की तुलना में इस महीने बेरोजगारी की दर एक बार फिर बढ़ गई, जिसका खुलासा सीएमआईई की रिपोर्ट में हुआ। साझा किए गए रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल महीने में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.83% पर पहुंच गई। इससे पहले मार्च महीने में यह 7.60% थी। आंकड़ों की माने तो मार्च 2022 में शहरी बेरोजगारों की दर 9.22% और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह 7.18% रही। सीएमआईई के मुताबिक 2021 में मई में बेरोजगारी दर 11.84% पर पहुंच गई। हालांकि इसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली और यह जनवरी 2022 में 6.57% पर आई थी, लेकिन फरवरी में यह फिर 8.10% पर पहुंच गई थी, जो अब 7.83% पर है। किशनगंज के हरगौरी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। ये मंदिर किशनगंज जिले के ठाकुरगंज नगर में स्थित है। 1901 में स्थापित इस मंदिर की स्थापना की कहानी भी रोचक है। कहा जाता है कि यहाँ की जमीन को रविन्द्रनाथ टैगोर के वंशज ज्योतिन्द्र मोहन ठाकुर ने खरीदी थी और इसका नाम ठाकुरगंज रखा। 1897 में उनके परिवार द्वारा पूर्वोत्तर कोण में पांडव काल के भग्नावशेष के खुदाई क्रम में शिवलिंग मिला, जो 1 फुट काले पत्थर का था। शिवलिंग पर आधे हिस्से में भगवान शिव और आधे हिस्से में माँ पार्वती अंकित है। ठाकुर परिवार इसे कलकत्ता में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन रात को ही सपने में भगवान शिव ने कहा कि इस प्रतिमा को वहीं स्थापित किया जाए जहां पर वो मिली है। वहीं दूसरे दिन जब वापस आ गए और बड़ी धूमधाम से इस मूर्ति की स्थापना की। हरगौरी में भक्तों की इतनी आस्था है कि नेपाल बंगाल संग अन्य प्रदेशों के लोग सावन महीने में हरगौरी मंदिर में आते ही हैं। पटना में नमामि गंगे के तहत मार्च 2023 तक सभी परियोजनाएं होंगी पूरी। राजधानी पटना में बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी लंबित परियोजनाओं को चालू वित्त वर्ष के भीतर पूरा किए जाने का आदेश जारी किया गया है। ये निर्देश तब आया है जब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मार्च में बिहार विधानसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में कार्यदायी एजेंसी बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को नमामि गंगे पहल के तहत निर्धारित समय में ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि उन्होंने अपने शहरी विकास और आवास विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। किसी को भी कोरोना टीकाकरण के लिए अब नहीं किया जा सकेगा मजबूर। देश भर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि बीते 3 लहरों में कोरोना के बढ़ते प्रसार ने एक बात तो साफ कर दिया था कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय टीके का है, जिसके बाद ही केंद्र सरकार सभी लोगों से अनिवार्य रूप से टीका लेने को कह रही थी। लेकिन अब ऐसी बाध्यता आप पर नहीं होगी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और न्यायालय ने केंद्र से इस तरह के टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। बिहार के एक पिता ने अपनी 1.5 साल की भूखी बच्ची के लिए रेल मंत्री से लगाई गुहार।
सहरसा वैशाली एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक यात्री ने अपील की, जिसके तहत ही परिजन द्वारा रेल मंत्री से गुहार लगाई गई, जिसके बाद तुरंत ही 1.5 साल की भूखी बच्ची को दूध और एक छोटे बच्चे के खानपान के साथ पानी उपलब्ध कराया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नई दिल्ली सहरसा वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12554 डाउन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निर्धारित समय पर रवाना हुई थी। इसी ट्रेन में बच्ची के पिता ने रेल मंत्री को ट्वीट कर गुहार लगाई कि उनकी बच्ची, पत्नी और एक छोटा सा बेटा वैशाली एक्सप्रेस में सफर कर रहा है, साथ में कोई परिजन नहीं है, किसी तरह बच्ची को दूध और बेटे के लिए खानपान और पानी उपलब्ध करवाई जाए। रेल मंत्री को ट्वीट करने के बाद IRCTC के अधिकारी तुरंत एक्शन में आ गए। सत्ता मिलते ही 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे को करूंगा पूरा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने के साथ ही 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जो वादा किया है, वो सत्ता में आते ही पूरा करने की बात कहते देखे गए हैं। इसके तहत ही तेजस्वी ने कहा कि समाज के हर तबके के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना राजद का मकसद है। लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय दिया, अब मैं आर्थिक न्याय के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि आज बिहार में पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अत्याचार की घटनाओं में रोज वृद्धि हो रही है। सरकार अति पिछड़ा वर्ग को सिर्फ ठगने में लगी है, इनके लिए कोई भी काम जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। उन्होंने नौनिया समाज की 10 सूत्री मांगों को पूरा कराने में साथ देने का वादा किया। पीके की नई पार्टी पर भाजपा और राजद ने किया पलटवार। बिहार की राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए वैसी ही कई लड़ाइयां लड़ी जा रही थी। इसी बीच अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीते दिन अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, जिस पर यह भाजपा और राजद हमलावर हो गई है। जैसे ही एक तरफ प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट के माध्यम से नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, वैसे ही भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि प्रशांत किशोर के पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। इससे पहले पुष्पम प्रिया ने पार्टी का गठन किया था, लेकिन सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। वहीं इस मामले को लेकर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि उन्हें राजनीति में आने से पहले अपनी और नीतीश कुमार और अमित शाह के साथ के संबंधों को जनता के सामने साफ करना होगा। बिहार में विधि व्यवस्था पर भड़के चिराग पासवान। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान आए दिन बिहार की नीतीश सरकार को निशाने पर लेने का काम करते हैं। इसी कड़ी में अब चिराग पासवान ने बिहार में विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। स्वर्ण व्यवसायी की जान लेने के 10 दिनों बाद भी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस की अकर्मण्यता का परिचायक है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चिराग हाल ही में सहरिया गांव पहुंचे थे, जहां 22 अप्रैल को रात में बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी पंकज कुमार सिंह की जान ले ली थी, जिसके बाद ही उनके जनों से मुलाकात करने चिराग पहुंचे थे। पानी की कमी के कारण सभी घरों तक नहीं पहुंचा नल का जल योजना का लाभ। बिहार में नल का जल घर घर पहुंचाने के लिए नीतीश सरकार दिन रात काम कर रही है, लेकिन अफसोस सरकार की इस योजना में कई सेंध नजर आए, जिस पर ही अब बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार रोहतास पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि एक समय बिहार में मात्र 6% लोग ही नल के पानी का उपयोग करते थे, लेकिन आज 98% लोगों के घरों तक नल का पानी पहुंच रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं कहीं से दिक्कत की खबरें आ रही हैं, जो ग्रामीण की लापरवाही के कारण हो रही है। 100 घरों में पानी आपूर्ति के लिए जब सप्लाई दी जाती है, तो 20 से 25 घरों के लोग अपने नल को बेवजह खोलकर पानी बर्बाद करने लगते हैं। इस कारण सभी जगह पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को सजग होने की जरूरत है। ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी जदयू। बिहार में सत्ता गिरने के कयास बीते लंबे समय से लगाए जा रहे हैं। हाल ही में जदयू ने एक लेटर जारी कर ये मान भी लिया है कि पार्टी के अंदर कोई नंबर दो का नेता नहीं रहेगा, सीएम नीतीश ही सर्वमान्य नेता होंगे। हालांकि विपक्ष को सत्ता पक्ष की ये बात एक आंख नहीं भा रही है। यही कारण है कि जदयू के इस फैसले पर अब बवाल शुरू हो गया है। इसी को लेकर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जदयू को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जदयू बहुत जल्द ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। पहली बार कोई ऐसी पार्टी है जिसे सार्वजनिक रूप से ये कहना पड़ा है कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा पोस्टर पर डालेंगे। आज तक कभी ऐसा सुने हैं कि पार्टी को पोस्टर को लेकर कोई गाइडलाइन जारी करनी पड़ी हो। इसका मतलब है कि पार्टी में बड़ा मतभेद है। बिजली संकट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुआ मंथन। देश के कई राज्यों में बिजली संकट देखा जा रहा है, इसे लगातार बिजली सप्लाई बाधित हो रही है। बढ़ती गर्मी के बीच बिजली संकट की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। इस बीच कोल क्राइसिस को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बीते दिन बैठक बुलाई गई। इस बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए थे। पिछले दिनों बिजली संकट के बाद कई राज्यों ने मुख्यमंत्रियों की तरफ से कोल क्राइसिस का मुद्दा उठाया था। भारत करीब 200 गीगावाट बिजली यानी करीब 70% बिजली का उत्पादन कोयले से चलने वाले प्लांट से करता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। पहला भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 को प्रदर्शित हुई। अमानुल्लाह खान द्वारा ब्रिटिश भारत पर आक्रमण। सबसे पुरानी यहूदी युवा बिरादरी में अलेफ जेडिक अलेफ
ओमाहा नेब्रास्का में स्थापित हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पाकिस्तानी जेल में सजा काट रहे भारतीय कैदी सरबजीत सिंह को फांसी की सजा 2008 को आज के दिन अनिश्चित समय तक टाली गई थी। 2016 में 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, उसमें मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन और कंगना रनौत सम्मानित हुए। भारतीय राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन का जन्म 1896 में हुआ। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन 1969 को हुआ। बिहार में चोरी हो गया एक और पुल। कुछ दिनों पहले ही बिहार के रोहतास जिले में पुल चोरी की घटना सामने आई थी, जिसने सबको चौंका दिया था। हालांकि इस मामले के बाद प्रशासन के कान भी खड़े हो गए थे। अब एक चौंकाने वाली खबर बीते दिन बांका जिले से सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार बांका में भी 2004 में बना लोहे का पुल चोरी हो गया है। यहां भी अब चोर लोहे के पुल को टुकड़े टुकड़े कर चोरी का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इस बात की भनक भी नहीं लगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पुल का अधिकतर भाग चोरी हो चुका है। अगर प्रशासन सतर्क नहीं हुआ तो पुल पूरी तरह से गायब हो जाएगा। पुल चोरी की यह घटना बांका जिले के चांदन प्रखंड की है। चोरों द्वारा पुल का 70% भाग गैस कटर से काटकर अलग कर दिया गया है। 18 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट्स पर लगा बैन। व्हाट्सएप ने मार्च 2022 में भारत के 18 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बैन किया है। आईटी रूल्स 2021 के अंतर्गत कंपनी ने अपनी 10वीं मंथली रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में भारत में 18 लाख से भी ज्यादा अकाउंट्स को बंद किया गया। कंपनी ने कहा है कि उसे मार्च में देश भर में कुल 597 ग्रीवांस रिपोर्ट मिले और इनमें से 74 के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। कंपनी के एक प्रवक्ता ने बयान जारी करके कहा है कि कंपनी ने आईटी रूल्स 2021 के तहत मार्च 2022 की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। इस यूजर सेफ्टी रिपोर्ट में यूजर से मिले शिकायतों और उन पर लिए गए एक्शंस की पूरी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही कंपनी ने इस रिपोर्ट में प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी डिटेल दिया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 2 मई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,280 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,590 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 116.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 101.88 रुपए प्रति लीटर थे। कोलकाता ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से दी मात। आईपीएल 2022 के 47वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 153 रनों का टारगेट था, जिसे टीम ने आखिरी ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल किया। चौथे विकेट के लिए नीतीश राणा 48 रन के साथ और रिंकू सिंह 42 रन के साथ 38 गेंद में नाबाद 66 रन जोड़ करके केकेआर की जीत को पक्का किया। कोलकाता की लगातार 5 हार के बाद ये पहली जीत है। टीम ने अब तक टूर्नामेंट में 10 मैच खेले हैं और 4 में जीत दर्ज की है। 6 में केकेआर को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो 10 मैच में ये चौथी हार है। टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है निशु कुमारी, गौतम कुमार, अमृता कुमारी, निधि कुमारी, विजय घायल, नंदलाल सिन्हा, विकास बिहारी, सौरभ मिश्रा, रविन्द्र पासवान, ध्रुव कुमार, किशन, संतोष कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आज ईद और अक्षय तृतीया के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।